अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले चैप्टर्स देख लिए हैं। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, इन्हें देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपके पल लेनी पड़ेगी। पार्ट टू सीक्वल की शुरुआत एक लड़के ने पेट्रो और लड़की ने बोगदाना से होती है। पीत अभी बोगदाना की बहन डेरिंग का आती है जो उन्हें खबर करती की पिताजी आ रहे हैं, इसलिए पेट्रो घबरा कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम डेरिंग का को किसी फ्योदर नाम के लड़के से मिलते देखते हैं, जिनके बातों से प्रतीत होता है कि डेरिंग का फ्योदर को पसंद करती है। फ्योदर दरअसल बकरी चलाने का काम करता है। वो अपनी बकरियां चला ही रहा होता है कि तभी उसकी एक बकरी भाग पड़ती है। दोनों भी अब उसका पीछा करते हैं पर डेरिंग का बीच रास्ते में ही गिर पड़ती है। आ फ्योदर जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक अजीब सी हरे रंग की रोशनी नजर आती है और यहीं से इस मूवी का चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। यहाँ अब निकोला और बाकी सभी डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच के डब्बे की तलाश कर रहे होते हैं जिसमें कई सारे पेपर्स होते हैं। उसमें से एक पेपर में अजीब कारण से 12+1 लिखा होता है। वहीं उन्हें एक और पेपर मिलता है जिसमें रहस्यमय घुड़सवार ने किस किस तारीख को कौन से लड़कियों की हत्या की वो जानकारी होती है। उसमें एक और तारीख होता है जो 2 दिन बाद की तरफ इशारा करती है जिससे निकोलाय को समझता है कि रहस्यमय घुड़सवार शायद अगली हत्या 2 दिन बाद करने वाला है। निकोलाय को वहाँ से उसकी केस फाइल भी मिलती है पर वो चालाकी से उसे सबसे छुपा लेता है। वो सभी अब कैलेंडर की मदद से रहस्यमय घुड़सवार की हत्या वाली तारीख देख रहे होते हैं। निकोलो सभी को समझाता है कि इस तारीख के अनुसार रहस्यमय घुड़सवार ने सारी हत्या त्योहार दिन वाले करी है और अब तक इस साल के 4 त्योहार हो गए हैं और रहस्यमय घुड़सवार ने 4 हत्या कर दी है। इस साल अब 9 त्योहार बाकी है जिसका मतलब है कि रहस्यमय घुड़सवार और 9 हत्या करेगा। अगले दिन गाँव में एक आदमी आता है जिसका नाम बायोसुक होता है। लोग उससे डर रहे होते हैं। निकोलाय का सर्वेंट टेसाक प्रीस को बताता है कि बायोसुक आ गया है। वो दोनों अब अलेक्जेंडर के पास जाते हैं और बायोसुक को हिरासत में लेने की विनती करते हैं। प्रीस दावा करता है कि वो यहाँ लोगों की आत्मा को लेने आया है पर अलेक्जेंडर बताता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ निकोलाय के पास पेट्रो और बोगदाना आते हैं। बोगदाना उन्हें खबर करते हैं कि उनकी बहन डेरिंग का गायब है जो फ्योदर से मिलने गई थी जिसके बाद से वो कभी लौटी ही नहीं। निकोलाय तुरंत समझ जाता है कि ये काम उसी रहस्यमय घुड़सवार का है जिसने डेरिंगा को गायब किया और 2 दिन बाद त्योहार वाले दिन उसकी हत्या कर देगा। फिर तभी घर के बाहर निकोलाय को लीसा दिखाई देती है। निकोलाय और लीसा दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ लीसा बताती है कि उसे कोई लड़की अपने सपने में परेशान कर रही थी जो उसे निकोलाय से दूर रहने की चेतावनी दे रही थी जिससे निकोलाय तुरंत समझ जाता है कि ये काम ओक्साना का है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ फ्योदर आ जाता है जो एकदम घायल अवस्था में होता है। अलेक्जेंडर उसे उसके बारे में पूछते हैं कि उसके साथ हुआ क्या। फ्योदर बेचारा कुछ बता नहीं पाता, बस वो यही बड़बड़ाता रहता है कि वहाँ कोई जानवर था। अलेक्जेंडर को लगता है कि ये फ्योदर ने ही डेरिंगा की हत्या की है और अपने आप को बचाने के लिए चाल चल रहा है पर निकोलाय जवाब देता है कि हमें जंगल में जाकर डेरिंगा को ढूंढना चाहिए। अलेक्जेंडर अब अपने कुछ कोसैक साथियों को लेकर जंगल की तरफ जाता है। वो सभी जंगल में डेरिंगा को आवाज लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ निकोलाय को फिर से ओक्साना दिखाई देती है जो किसी और को दिखाई नहीं देती। निकोलाय ओक्साना से कहता है कि मुझे सिखाओ कि मैं अपने शक्ति को कैसे नियंत्रण कर सकता हूँ और वो उसे फिर से लीसा को परेशान करने से भी मना करता है। ये बात सुनकर ओक्साना को गुस्सा आ जाता है इसलिए उसे उसके शक्ति को नियंत्रण करने से सिखाने से मना कर देती है। अलेक्जेंडर निकोलाय को देख लेता है पर वो ओक्साना को नहीं देख पाता जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता कि निकोलाय अकेले में किससे बात कर रहा है। निकोलाय फिर से सबके पास आता है जहाँ सभी को किसी के कटे हुए अंग मिलते हैं जिससे सभी को लगता है कि ये डेरिंगा की ही है पर डॉक्टर बताते कि ये इंसान की नहीं ये किसी जानवर की है जिससे समझ आता है कि डेरिंगा अब भी जिंदा हो सकती है। तभी निकोलाय को फिर से दौरा पड़ता है और उसे फिर से एक और विजन नजर आता है जिसमें वो एक रहस्यमय लाल फूल को देखता है और वहाँ रहस्यमय घुड़सवार आकर किसी लड़की की जान ले लेता है। निकोलाय थोड़ा होश में आता है और बताता है कि डेरिंगा अब भी जिंदा है, वो उसे 2 दिन बाद मारेगा और ये सब भी उसी ने किया है। अब निकोलाय और डॉक्टर दोनों घर आते हैं और निकोलाय लाल फूल की तस्वीर दीवार पर लगा देता है जहाँ उसने घुड़सवार और बाकी लड़कियों की तस्वीरें लगाई थी। डॉक्टर के वहाँ से चले जाने पर अब निकोलाय अकेले उस केस फाइल पढ़ना शुरू करता है जो उसने डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच के डब्बे से चोरी छिपे गायब की थी। उसमें निकोलाय के बचपन की बातें लिखी थी जिसके अनुसार निकोलाय के 6 भाई थे, उसमें से 2 बच्चे मरे हुए पैदा हुए और बाकी 3 बचपन में ही मारे गए पर सबसे कमजोर बच्चा निकोलाय जिंदा बच गया जो किसी रहस्य से कम नहीं है।
शायद वो अंधेरी दुनिया से है। ये बात जानते ही निकोलाय को फिर से वही भयानक विजन्स आते हैं, जिसमें वो उसी फूल की तस्वीर पर हाथ रखता है जिससे वो जल जाती है। निकोलाय फिर से रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे वही फूल दिखता है जिसके नीचे कई सारे सोने के पत्थर पड़े होते हैं। वहीं एक लड़की भी होती है जो अपने आप को कपड़े से ढकी होती है, जो कोई मंत्र पढ़ रही होती है। निकोलाय जिज्ञासा में उसके पास जाता है पर वो लड़की अपने आप ही जल जाती है। अब निकोलाय अपने विजन से बाहर आता है और वो नदी के पास जाता है ओक्साना से मदद मांगने। ओक्साना फिर से प्रकट होकर बताती है कि ये फूल खून से बना है और ये साल में सिर्फ पूरे चांद वाले दिन ही उगता है। इस फूल के नीचे सोना होता है और इस फूल को सिर्फ एक मासूम इंसान ही निकाल सकता है, पर उसे भी किसी दूसरे मासूम इंसान की बलि देनी होगी। ओक्साना निकोलाय को उसकी शक्ति के बारे में एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि तुमने दरअसल जन्म नहीं लिया बल्कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हें इसे जानने के लिए पहले अपने बचपन को जानना पड़ेगा। पर निकोलाय को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती और इसी दौरान ओक्साना उसे पानी में ढकल देती है, जिसके तुरंत बाद निकोलाय को वहाँ अपना बचपन दिखाई देता है, जहाँ डॉक्टर निकोलाय के माता पिता को बता रहे होते हैं कि मैं आपके पांचों बच्चों को नहीं बचा पाया, ये किसी तरह का श्राप है। अब निकोलाय अपने आप को उसी बेड पर पाता है जहाँ उसके माता पिता थे, और अगले ही पल वहाँ लीजा दिखाई देती है और उसके बाद कोई लड़की जो अपने आप को कपड़े से ढकी होती है। अब निकोलाय को होश आता है और वो अपने आप को नदी के पार पाता है। निकोलाय अपने घर जा रहा होता है पर रास्ते में उसे बासुर्क मिलता है जो किसी से उस फूल के बारे में बात कर रहा होता है। निकोलाय जब उसके पास जाता है तो बासुर्क बताता है कि अब वो शैतान नहीं रहा, अब वो आत्माओं का शिकार करता है, जो कहकर वो वहां से चला जाता है। निकोलाय अब चर्च आकर प्रीस्ट से बासुर्क के बारे में पूछता है, जो बताते हैं कि बासुर्क लोगों की आत्माओं का शिकार करता है। वो लोगों के गले में किसी तरह का लॉकेट डालता है जिसके बाद वो उनकी आत्माओं को ले जाता है। लोग बताते हैं कि वो बेयर क्रीक नाम की जगह पर आत्माओं का शिकार करता है, पर किसी को नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं। पर सभी ये मानते हैं कि उसके इस काम को छुपाने में शैतान उसकी मदद करता है। चर्च में लीजा भी मौजूद, निकोलाय की नजर उस पर पड़ती है। प्रीस्ट बताते हैं कि लीजा यहाँ रोज आती है अपने और अपने पति के लिए प्रार्थना करने के लिए। निकोलाय चर्च से बाहर जाता है जहाँ लीजा भी उसके पास आती है। निकोलाय उसे बेयर क्रीक का पता पूछता है, जिस पर लीजा बताती है कि वो जगह उत्तर में है पर वो जगह श्रापित भी है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर निकोलाय लीजा को कुछ जरूरी काम का बहाना करके बेयर क्रीक के लिए निकल पड़ता है। वो सबसे पहले पेंटर से मिलता है और उसे भी बेयर क्रीक साथ चलने को कहता है, पर वैकुलाय उसे मना कर देता है क्योंकि उसके अनुसार उसे भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर निकोलाय पेंटर से कुछ हथियार लेकर खुद अकेले बेयर क्रीक की तरफ निकल पड़ता है। जहाँ पहुँचने पर उसे कुछ लड़कियाँ कोई रिचुअल करते हुए नजर आती है। उनमें से एक लड़की निकोलाय से कहती है कि शायद तुम मेरी भाग्य में हो, पर निकोलाय वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब बासुर्क पेट्रोक के साथ उसी फूल को निकालने आया होता है। पेट्रोक सोने के लालच में उस फूल को निकाल देता है, पर बासुर्क पेट्रोक को बताता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा। वो अब डेरिंका को लेकर आता है और बताता है कि तुम्हें इसे मारना होगा, यदि तुमने ऐसा किया तो सारा सोना तुम्हारा होगा और भोगदाना भी। सोने की लालच और भोगदाना के चक्कर में वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ निकोलाय आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। निकोलाय बताता है कि बासुर्क झूठ कह रहा है, तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारी आत्मा को ले लेगा। पर पेट्रो अब सोने की लालच में पागल हो चुका था, इसलिए वो डेरिंका के गले पर तलवार से वार करता है, पर निकोलाय एन मौके पर उसे शूट कर देता है जिससे पेट्रो वहीं ढेर हो जाता है। डेरिंका की हालत एकदम गंभीर होती है। वहीं बासुर्क अब अपनी असली रूप दिखाता है और देखते ही देखते हर तरफ भयानक हरी रोशनी निकलने लगती है, जैसे कि मूवी के शुरुआत में हमने फ्योदर के सामने देखा था। बासुर्क किसी जानवर से कम नहीं होता। वो निकोलाय को बताता है कि ये फूल फिर से उग जाएंगे और तुम्हें नरक में ले जाएंगे, जिसके बाद वो वहां से चुपचाप चला जाता है। निकोलाय डेरिंका को घायल अवस्था में उसे डॉक्टर के पास ले आता है और भाग्य से डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करके डेरिंका को बचा लेते हैं। अगले दिन उस लड़की की लाश मिलती है जिसने बेयर क्रीक में निकोलाय से कहा था कि शायद तुम मेरे भाग्य में हो। निकोलाय को उसकी लाश देखकर बासुर्क की बात याद आती है कि वो फूल तुम्हें नरक ले जाएगा। जो डॉक्टर बताते हैं कि निकोलाय की थ्योरी सही निकली कि रहस्यमय घुड़सवार सिर्फ त्योहार वाले दिन ही हत्या करता है। निकोलाय सवाल करता है कि अगला त्योहार कब है। उस पर निकोलाय का सवर्ण बताता है कि अगले 5 दिनों में, जिस पर निकोलाय कहता है कि 5 दिनों बाद कोई नहीं होगा जिसे रहस्यमय घुड़सवार मार
सके। और इसी के साथ ये चैप्टर 3 यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको इसका आगे का चैप्टर देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।